हरियाणा की चरखी दादरी सीट से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस्तीफा किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए दिया है। उन्होंने चरखी दादरी में हुई सांगवान खाप की पंचायत में यह ऐलान किया है। बता दें कि चरखी दादरी में सांगवान खाप की पंचायत हुई, इसमें फैसला लिया गया कि खाप के लोग 1 दिसंबर से किसानों के समर्थन में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उनका नेतृत्व खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान करेंगे। इसके बाद सोमवीर सांगवान ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। सोमवीर ने कहा कि विधायक रहते हुए वह भाईचारे के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी भी पद से बड़ा समाज और लोगों का हित है। वह भाईचारे को कायम रखने के लिए सदैव तत्पर हैं और हर कदम उठाने को तैयार हैं। हरियाणा सरकार को इस्तीफा भेजने की पुष्टि विधायक ने ही की है। उन्होंने बताया कि अब वो किसान आंदोलन के समर्थन में सांगवान खाप सहित उतरेंगे। सांगवान ने कहा कि मंगलवार सुबह उनकी खाप दिल्ली कूच करेगी। खाप की सर्वजातीय बैठक करने के बाद सोमवीर सांगवान पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद सरकार ने उन्हें पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। किसान आंदोलन को समर्थन देने के चलते उन्होंने सरकार को इस्तीफा भेज दिया है। विधायक ने कहा कि उनके लिए समाज और भाईचारा पहले है, जबकि राजनीति और पद का उन्हें कोई लालच नहीं है। उन्होंने बताया कि रविवार को रोहतक के जाट भवन में 30 से अधिक खापों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें किसान आंदोलन को समर्थन देने पर चर्चा की गई। विधायक ने कहा कि वो तन मन और धन से किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और किसानों की मांगे परवान चढ़ने के बाद ही दिल्ली से वापस लौटेंगे। आज की जो पंचायत हुई है, कल जो तमाम हरियाणा के खापों ने कल फैसला लिया था कि हर खाप अब अपनी पंचायत करके वो सबको साथ लेकर दिल्ली कूच करेंगे। उसी के अनुरूप हमने अपनी सांगवान खाप इकट्ठी करी है और कल सुबह 10 बजे हम काफिलों के साथ ट्रैक्टरों के साथ पूरी खाप दिल्ली को कूच करेगी और किसान भाइयों को हम समर्थन करें। और आज ही मैंने अपने चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया कि सरकार का जो लाभदायक पदम वो हासिल नहीं करना चाहता कि जब मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूँ तो मैंने इसको पद को भी छोड़ दिया और मैं काफिले के साथ कल तमाम भाइयों के साथ दिल्ली पहुँच गया। क्या आपने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है? समर्थन का कोई सवाल नहीं है। समर्थन मैंने तो अपने पद से जो चेयरमैन सरकार ने दे रखे है लाभदायक पद है उससे इस्तीफा दिया है। जो सांगवान खाप कितने दिन वहाँ तक रहेगी? जब तक भाई और किसान भाई रहेंगे उनके साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, लास्ट तक साथ रहेंगे। सांगवान खाप लगभग आगे बढ़ने वाली होती थी लेकिन अब की बार सबसे आखिर में इस तरह के जो निर्णय लिए थे, सांगवान खाप पीछे कहा रही, पहले भी नहीं थी, फैसला खापों ने कर लिया कि हम समर्थन करने जाते सारे लोग इकट्ठे होकर, तो मैं तो सांगवान खाप का पीछे रहने का मतलब नहीं होता। 6 महीने से आंदोलन जो है लगातार चल, जब भी जरूरत पड़ी सांगवान खाप ने समाज के जहाँ भी भलाई की बात थी, समाज की कोई तकलीफ थी, सांगवान खाप ने हर मुद्दे के ऊपर संता सहयोग कराया, चाहे वो किसी भी मामले में। सांगवान साहब, आपने विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया कृषि अध्यादेशों को लेकर, अब अपना स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हैं? ऐसे मैंने जो लिया था मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने कहा था कि किसान के हित में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर किया जाए, क्या मामला है समझ में नहीं। मैं तो ये भी कहा था मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैंने विधानसभा में कहा था कि लोगों के जो दिमाग के अंदर किसान के जो दिमाग में कन्फ्यूज पैदा उसको दूर किया जाए, अगर कानून का किसान के हित में है तो फिर रोड़ा किस चीज़ का। अगर कृषि अध्यादेश आपको अच्छे लगते हैं, आपने गोहाना में किसान विकास रैली क्यों नहीं करी? मैं किसान रैली नहीं, मैंने रैली सुनो जो बात है वो सच्चाई है, मैंने कोई किसान रैली नहीं करी। लेकिन अगर मेरे को कहीं बुला लिया, मैं स्टेज पे गया था, लेकिन मैं न संयोजक था न कोई रैली था, एक वो इलेक्शन का मोमेंट था, उस इलेक्शन में बीजेपी का समर्थन किया था, नो डाउट। दिल्ली कोच को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? हर गांव से किए गए हैं या फिर हर गांव से हर गली से ट्रैक्टर टैली काफिलों के साथ पूरी खाप कल दिल्ली जाने जी। कुछ लोगों का मानना है कि जो इस तरह की जो राजनीति करके उसमें आंदोलन में कूदा जा रहा है कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने के लिए, क्या कहेंगे? ऐसा है, अगर लोग जाने से आंदोलन कमजोर होता है तो फिर मजबूत कैसे उतरे, कहा बता दो। जब भाई उठ के जाएंगे तो आंदोलन तो मजबूत होगा, जो राजनीति वाली बात है वो राजनीति करते नहीं, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है। बुराड़ी मैदान में हमारा एक ही मकसद है,
जो किसान भाइयों की तकलीफ है जो महसूस कर रहे हैं, अगर उस कानून के अंदर बदलाव चाहती है जनता की भलाई में, तो हम तो उसके समर्थन में जा रहे हैं कि समाज का हित हो उसमें हम जा रहे हैं। राजनीति करने में हम चेयरमैन बाहर रखे थे, राजनीति क्या मतलब। बुराड़ी मैदान में सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सभी सड़कों पर हैं, आपका क्या मानना है कि सड़कों पर रह करके काम होगा या ऐसा है? जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो तो उनका काम है, हमने तो सहयोग करे है, हम पीछे चलने वाले हैं, आगे वो भाई हैं, हम तो पीछे से उनकी जो हमारे से सहयोग बने खापे वो सहयोग कर रहे हैं, तो वो उनका काम है, नेतृत्व का वो क्या करेंगे। हमने उसमें राजनीति गाड़ी बजाए बेलाग लपेट बेदाग उनका समर्थन। लगातार जो है विपक्ष का नाम लिया जाता है कि जितने भी किसान वहाँ पर हैं वो विपक्ष के ही कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ अगर आप खापी समर्थन दे रहे तो क्या विपक्ष के साथ मिलते हैं? ऐसा है, जब कोई विरोध करता है पक्ष का नाम विपक्ष का नाम देते हैं, वो मौका है क्यों दिया, विपक्ष को करने का मौका है क्यों दिया, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों करी? मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं, ये विपक्ष कर रहे हैं, विपक्ष जिसके पीड़ा है, अब से पहले विपक्ष कहा गया था, जब किसान चल के आए तो उसकी कोई ना कोई पीड़ा है वो महसूस कर रहा है, उस पीड़ा को मिटने का सरकार का दायित्व बनता है, उस अपने कर्तव्य को निर्वाह करके समस्या समाधान करना और किसान को खुशहाल करना सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.